नमस्कार दोस्तों, मैं अपने आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। भारतीय वायुसेना, जिसकी दरअसल अभी हाल ही में स्थापना दिवस भी मनाई गई, और इस अवसर पर जो भारतीय वायुसेना है, ठीक है, इसके एक नए इनसाइन का अनावरण भी किया गया। आज की इस वीडियो में जानेंगे इसी को विस्तार से, और भी बहुत कुछ आज की इस वीडियो में जानने के लिए। लेकिन इन सबके पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में बेल आइकन होता है, जिसे आप दबाकर इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा समय लिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो हमारी भारतीय वायुसेना यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स है, ठीक है, इसका अभी हाल ही में स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, तो ये ध्यान रखना है, ये 8 अक्टूबर को, ठीक है, प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को जो हमारी भारतीय वायुसेना है, ठीक है, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष जो भारतीय वायुसेना है, इसका 91वां, ठीक है, यानी कि 91st है ना, स्थापना दिवस मनाया गया है। अच्छा, आगे जाने से पहले ये जान लो कि जो हमारी भारतीय वायुसेना है, ठीक है, इसका एक्चुअली में जो गठन है वो ब्रिटिश काल में ही किया गया था। कब किया गया था, ये किया गया था 8th ऑफ अक्टूबर 1982 को, ठीक है, और उस समय में इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। यानी कि जो हमारी भारतीय वायुसेना है एट प्रेजेंट, ये पहले जब इसकी स्थापना की गई थी 1932 में, उस समय में इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। बाद में जब भारत जो ब्रिटिश शासन है उससे जब आज़ाद होता है, तो भारत के द्वारा इस रॉयल शब्द को हटा दिया जाता है और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स रखा जाता है, ठीक है। तो एट प्रेजेंट जो नाम है वो आज़ादी के बाद जो नाम दिया गया था वो है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा, साथ ही ध्यान रखना, यह जो भारतीय वायुसेना दिवस अब की बारी मनाया जा रहा था, इसका आयोजन अब की बारी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया जा रहा था, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बमरौली एयरफोर्स स्टेशन है, जहां पर इस वायुसेना दिवस का जो आयोजन है वो किया जा रहा था। इस अवसर पर कई सारे एयर शोज किए गए, जिसमें भारत के जो काफ़ी प्रसिद्ध विमान हैं, ठीक है, जैसे राफेल, सुखोई, तेजस वगैरह वगैरह, कई सारे विमानों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, ठीक है। जो यहाँ पर एयर शो है वो यहाँ पर आयोजित किए गए। इसके अलावा जो IAF के पर्सोनल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें भी सम्मानित किया जाता है इस अवसर पर। अच्छा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर से निकल कर आता है वो ये है कि जो इंडियन एयरफोर्स का अब की बारी जो 8th ऑफ अक्टूबर को, ठीक है, जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है, इस वर्ष का विषय क्या था। इस वर्ष का थीम था IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसके साथ ही अब की बारी जो हम लोगों ने जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया है, इस अवसर पर जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं, दैट इज़ VR चौधरी जी, ठीक है, इन्होंने भारतीय वायुसेना का, ठीक है, एक नए ध्वज, ठीक है, या फिर एक नया इंसाइन का भी अनावरण किया है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। जो भारतीय वायुसेना है, इसने भी अब जो नया इंसाइन है, इसे यहाँ पर इसका यहाँ पर अनावरण किया गया। तो नया इंसाइन बेसिकली भारतीय वायुसेना में भी आ गया। ज्ञात हो कि इससे पहले अगर हम बात करें तो 2nd ऑफ सेप्टेम्बर, ठीक है, 2nd ऑफ सेप्टेम्बर 2022, ठीक है, ये वो तारीख थी जिस दिन जो हमारी इंडियन नेवी है, ठीक है, इसने भी अपना नया इंसाइन अडॉप्ट किया था, ठीक है। और ये जो नया इंसाइन है ना, ये एक्चुअली में जो पुराना इंसाइन है, जो कि कॉलोनियल पीरियड को दर्शाता था, तो अब जो नया इंसाइन है वो पूरी तरीके से भारत को रिप्रेजेंट करता है, भारत को दर्शाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यह जो नया इंसाइन जो कि भारतीय नौसेना ने यहाँ पर तैयार किया है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें, भारतीय वायुसेना ने जो यहाँ पर तैयार किया है इसके बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो इन दोनों इंसाइन्स को आपने देखना है। ये है पुराना इंसाइन जो कि भारतीय वायुसेना का है, और ये अब जो नया तैयार किया गया है वो है, ठीक है। दोनों ही में अगर आप सिमिलर चीज़ देखोगे तो जो इंडियन एयरफोर्स का जो क्रेस्ट है वो दोनों ही जगह आपको सिमिलर सा देखने को मिलेगा। डिफरेंसेस मेनली ये है कि ये जो नया इंसाइन है, ठीक है, इसमें ऊपर में आपको यहाँ पर अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा, इसके नीचे एक ईगल का साइन देखने को मिलेगा, और ये जो ईगल है, ध्यान रखना, ये हिमालयन ईगल है, ठीक है, हिमालयन ईगल को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पर ये जो रिंग दिख रहा है इस तरीके का है ना, इसमें देवनागरी स्क्रिप्ट में भारतीय वायुसेना लिखा गया है, अंकित किया गया है, क्लियर है बात यहाँ तक, आगे चलते हैं। इसके अलावा अब की बारी जो हमारी भारतीय वायुसेना का जो परेड निकाला गया था, यह पहला ऐसा भारतीय वायुसेना दिवस परेड था, ठीक है, जिसकी कमान जो है वह एक महिला अधिकारी को सौंपी गई थी, ठीक है। और ये महिला अधिकारी कौन थी, इनका नाम है ग्रुप कैप्टन सैलजा धामी, ठीक है। तो ग्रुप कैप्टन सैलजा धामी के द्वारा भारतीय वायुसेना दिवस परेड की कमान की मतलब इन्हीं के हाथों में थी, ठीक है। इसके अलावा सैलजा धामी की बात करें तो सैलजा धामी इससे पहले भी भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी रही हैं, जिन्हें कॉम्बैट यूनिट का कमान दिया गया था। ध्यान रखना है कि जो सैलजा धामी है, ठीक है, इन्हें एक्चुअली में अगर हम बात करें तो इन्हें मार्च 2023 में इन्हें कॉम्बैट यूनिट की कमांड सौंपी गई थी, ठीक है। इसके अलावा सैलजा धामी को तकरीबन 2800 घंटे से भी ज़्यादा विमान उड़ाने का अनुभव भी है।
साथ ही अब की बारी जो वायुसेना दिवस है यह इसलिए भी खास था क्योंकि अब की बारी पहली बार था जब जो पूरी तरह महिलाओं की टुकड़ी को भी इस परेड में शामिल किया गया था। इसके अलावा जो न्यूली अपॉइंटेड अग्निवीर वायु वुमेन हैं उनको भी इस परेड में हिस्सा मिला था, मतलब उन्हें भी बेसिकली इस परेड में शामिल किया गया था। ठीक है, अच्छा, इस परेड में जैसा हमने बात किया एयर शो के अंतर्गत जो हमारे कई सारे विमान हैं सुखोई, तेजस, मिराज है ना, चिनूक, जागुआर, अपाचे, रफाल, ठीक है, तो इन सभी को इसके अंतर्गत प्रदर्शित किया गया। लेकिन उन सभी में एक ऐसा विमान था जिसका नाम था MiG-21। इस ये जो विमान है जो कि एक्चुअली में रशियन मतलब रशिया के द्वारा बनाया गया है और इसे भारत में लाया गया था, तो ये रशियन ओरिजिन का विमान है MiG-21। इसे आखिरी बार इस एयर शो में या फिर हम कह सकते हैं इसे आखिरी बार जो भारतीय वायुसेना दिवस परेड है इसमें दिखाया गया है। एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है वो इस MiG-21 को चरणबद्ध तरीके से हटा रही है। अब जब इसे हटा रही है तो निश्चित रूप से इसके स्थान पर भी कोई आएगा, यानी इसको रिप्लेस करने के लिए जो भारतीय वायुसेना है इसने स्वदेश निर्मित विमान जिसका नाम है Tejas Mark 1A, ठीक है, इसे वर्ष 2025 के बाद से इसे शामिल किया जाएगा। MiG-21 को धीरे धीरे करके रिप्लेस किया जाएगा और फिर तेजस मार्क वन को इसमें शामिल किया जाएगा भारतीय वायुसेना के अंतर्गत। साथ ही अब की बारी जो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया यह पहली बार ऐसा था जब इसमें गरुड़ कमांडो ने भी हिस्सा लिया है। गरुड़ कमांडो की बात करें तो इसने दरअसल अभी हाल ही में देश की सेवा करते हुए अपने 20 सक्सेसफुल ईयर्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारी भारतीय वायुसेना है जो कि बात भारतीय वायुसेना की ही चल रही है, तो इस क्रम में आपने ध्यान रखना है कि जो भारतीय वायुसेना है इसका जो मोटो है ये है नव अश्पर्शम दीप्तम, ठीक है, नव अश्पर्शम दीप्तम इसका मोटो है जो कि एक्चुअली में श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 11 से लिया गया है, चैप्टर 11 के 24th वर्स से, जिसका अर्थ होता है ब्राइट मे यू टच हेवन। सीधे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ होता है गौरव के साथ आकाश को छूना। अब चूंकि बात भारतीय वायुसेना की ही चल रही है तो ध्यान रखना है कि जो भारतीय वायुसेना है इसके अंतर्गत अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें कौन से अधिकारी सबसे ऊपर उसके नीचे, उसको भी एक बारी देख लेते हैं। सबसे ऊपर जो भारतीय वायुसेना होते हैं इसके अंतर्गत होते हैं कमांडर इन चीफ, और जो कमांडर इन चीफ होते हैं वो होते हैं भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, तो एट प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। इसके बाद जो अगला नंबर आता है वो होते हैं CDS का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो जनरल अनिल चौहान जी हैं, ये हैं, ठीक है, ध्यान रखना जो जनरल अनिल चौहान है ये एक्चुअली में दूसरे नंबर के CDS हैं। अगर हम बात करें पहले नंबर के भारत के CDS कौन थे तो ध्यान रखना नाम, इनका नाम था बिपिन रावत जी, लेट श्री बिपिन रावत जी, ठीक है। इसके बाद जो अगला रैंक आता है वो है चीफ ऑफ एयर स्टाफ का, यानी कि CAS, जो कि एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी हैं। और इसके बाद जो अगला रैंक आता है वो होते हैं वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, जो कि एट प्रेजेंट एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह जी हैं। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की भारतीय वायु सेना के बारे में। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।